नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वो लम्हा अब करीब आ रहा है जब भावी प्रधानमंत्री, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति के प्रांगण में वो लेंगे शपथ और 3000 से ज़्यादा देसी विदेशी मेहमान गवाह बनेंगे इस ऐतिहासिक लम्हे के। ये जीत भी ऐतिहासिक रही है और अब शपथ ग्रहण भी होगा ऐतिहासिक। सोलहवीं लोकसभा का किला फतेह करके ऐतिहासिक जीत के साथ नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के नए रक्षक की शपथ लेने जा रहे हैं। भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 3000 देसी विदेशी मेहमानों के बीच नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चुन लिए जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक और तारीख अमर हो जाएगी। जी हाँ, 26 मई को जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज होंगे और देश के 14वें प्रधानमंत्री बन जाएंगे। शपथ के उस लम्हे का देश इंतजार कर रहा है। तमाम मेहमानों को न्योता भेज दिया गया है। भव्यता राष्ट्रपति भवन में भी है और वो मोदी की एक शख्सियत का हिस्सा है। एक हिस्सा लोगों से उनका वो जुड़ाव भी है जिसने एक चाय वाले के हाथ में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल सौंप दिया। इसलिए ये भी तय हो गया, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह न तो दरबार हॉल में होगा न अशोका हॉल में, बल्कि शपथ का ये भव्य और दिव्य समारोह राष्ट्रपति भवन के सामने वाली सीढ़ियों के ठीक सामने के खुले प्रांगण में होगा। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में जैसी तैयारियां की जा रही हैं, वैसी तैयारी आज तक कभी किसी समारोह के लिए नहीं की गई। जैसा कि आपको मालूम है कि 26 तारीख को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन के सी फोरकोर्ट में सामने का जो आप प्रांगण देख रहे हैं, इसी जगह पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की। जो सीढ़ियां बनी है राष्ट्रपति भवन के भव्य इमारत की, उसके नीचे स्टेज बनाया जाएगा, पीछे वो पिलर्स दिखेंगी और सामने होगा ये पूरा इंडिया गेट और ये राजपथ का ये बहुत सुंदर दृश्य नज़ारा होगा जिस वक्त नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। 4000 के करीब मेहमानों के आने की उम्मीद है और चूंकि सार्क देशों के भी सारे राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने आने की कन्फर्मेशन की है, यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इसलिए उस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर ऐतिहासिक जीत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह कैसा होगा। हम एनिमेशन के जरिए भी आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि शपथ समारोह के वक्त कौन कौन से मेहमान कहां बैठ सकते हैं और इंतजाम कैसा हो सकता है। हम आपको बता दें कि शपथ ग्रहण में बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों से लेकर देश और दुनिया के विख्यात लोग शिरकत कर रहे हैं। पूरे देश को अपने कदमों से नाप देने वाले मोदी ने बीते चुनाव में देश का दिल जीत लिया। ऐसी जीत मिली कि बीजेपी बहुमत के कमल पर नाच रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जश्न भी होगा और जोश भी होगा। बीजेपी का महानायक बनकर, देश के सबसे बड़े ओहदेदार बनकर नरेंद्र मोदी की कई बार आंखें भी भर जाती हैं। शपथ के लिए सोमवार का दिन चुना गया है और इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राष्ट्रपति भवन को फूल मालाओं से सजाया जाएगा तो कुर्सियों को करीने से कैसे रखा जाएगा, तैयारियां इसकी भी चल रही हैं। मोदी नाम के जयकारे के साथ 26 मई की शाम करीब 6 बजे राष्ट्रपति भवन का वो विशाल प्रांगण गूंजेगा जिसमें साल 1998 में आखिरी बार अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वक्त ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है, तो इंतजार कीजिए और देखिए 26 मई की उस शाम को जब 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज लुटियंस के टीले पर मोदी के प्रधानमंत्री बनने की गवाह बनेगी। अमिताभ सिन्हा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। नरेंद्र मोदी देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो राष्ट्रपति के प्रांगण में शपथ लेंगे, क्योंकि अब तक दस्तूर अलग रहा है, दरबार हॉल में शपथ लिया जाता था। कैसा होगा ये शपथ ग्रहण समारोह, कैसी होगी तस्वीर जब 3000 से ज्यादा देसी विदेशी मेहमान उस प्रांगण में जुटे होंगे और नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे होंगे, आइए आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के
के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और दिव्य बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन के अधिकारी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर रेड कार्पेट के साथ पुरानी और ऐतिहासिक नीली कालीन भी लाई गई है। मेहमानों को बैठाने के लिए कुर्सियां अर्धचंद्राकार आकार में लगी होंगी। सुरक्षा के मद्देनजर ये सारी व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि मोदी के 3000 मेहमान अलग अलग ग्रुप में बैठ सकते हैं। नरेंद्र मोदी का परिवार और उनके करीबी एक साथ बैठ सकते हैं, तो बीजेपी के 1250 मेहमान एक साथ बैठ सकते हैं। शपथ लेने वाले मंत्री और उनके परिवार का एक अलग ग्रुप हो सकता है। बीजेपी के तमाम सांसद एक साथ बैठने की संभावना है, तो बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। संघ के शीर्ष नेता भी एक साथ बैठ सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे, तो राष्ट्रपति के मेहमान भी मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखेंगे। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि सबके लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम हो सकता है। 26 मई को लुटियन जोन में जवानों की जबरदस्त तैनाती होगी। ट्रैफिक में भी बदलाव किए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस, NSG, SPG के साथ IB भी सुरक्षा पर नजर रखेगी। इस शपथ समारोह में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के अलावा संघ से सुरेश सोनी, राम माधव के अलावा दत्तात्रेय और इंद्रेश कुमार भी शामिल होंगे। साथ ही श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल की मौजूदगी के अलावा मुरारी बापू और अन्य साधु संत भी नरेंद्र मोदी के मेहमान बन सकते हैं। जिम्मेदारी राजनीति के स्तर पर विनम्र बना देती है और डिप्लोमेसी के टेबल पर सुलझा हुआ और ऐसा ही बेहद सुलझा हुआ कदम नरेंद्र मोदी ने भी उठाया है। जी हाँ, शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया गया है। न्योता पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी दिया गया है। And we have confirmation from 7 of them. And these are from Afghanistan, President Hamid Karzai, from Maldives, President Abdullah Yamin Abdul Gayoom, from Sri Lanka, President Mahinda Rajapaksa, from Bhutan, Prime Minister Shering Tobgay, from Mauritius, Dr. Naveen Chandra Ramgulam, who is the Prime Minister of Mauritius, from Nepal, Mr. Sushil Koirala, and from Bangladesh, Dr. Shirin Sharmeen Chowdhury, who is the Speaker. शपथ ग्रहण समारोह के बाद मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम होगा। सामान्य मेहमान राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही नाश्ता करेंगे, तो VIP इसके लिए अलग से व्यवस्था हो सकती है। बालकृष्ण के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। वैसे तो नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई स्टार आज नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन बॉलीवुड के कई सितारे भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, तमाम बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट के सितारों को भी आमंत्रित किया गया है। तो आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं स्टार वैल्यू राष्ट्रपति के प्रांगण में जब नरेंद्र मोदी लेंगे शपथ। देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ के लिए राष्ट्रपति भवन सज धज रहा है, तो उसके प्रांगण में बॉलीवुड के सितारे भी चमकने वाले हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने उन तमाम बॉलीवुड सितारों को न्योता दिया है जो उनके करीबी हैं या फिर जिनके साथ वो उठ बैठ चुके हैं। नरेंद्र मोदी और सलमान खान की ये पतंगबाजी आपको याद होगी, और इस पतंगबाजी के दौरान सलमान ने मोदी को गुड मैन कहा था, और अब उसी गुड मैन ने सलमान को अपनी महफिल में बुलाया है। द बेस्ट मैन फॉर आवर कंट्री शुड बी द PM ऑफ दिस कंट्री। सलमान के पिता सलीम खान ने चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के लिए उर्दू वेबसाइट को भी लॉन्च किया। जब सलमान खान इतने खास हुए तो उन्हें मोदी ने अपने शपथ समारोह में आने का न्योता भेज दिया। अब इन तस्वीरों को भी जरा अपने जहन में दोहराइए। चेन्नई में नरेंद्र मोदी ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत से मुलाकात की थी। पहले मोदी रजनीकांत की महफिल में गए थे और अब रजनीकांत को मोदी ने मेहमान बनाने का न्योता दिया है। गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के खास हैं। मोदी भी अक्सर इसका जिक्र करते हैं।
और जब मोदी के लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका आया है तो उन्होंने बिग बी को याद किया, लेकिन मसरूफियत की वजह से अमिताभ बच्चन का आना मुश्किल है। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर नरेंद्र मोदी की बड़ी फैन है। कई इवेंट नरेंद्र मोदी और लता जी साझा कर चुके हैं और अब नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का इनविटेशन दिया है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं लोढ़ा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज मेरे भाई साहब नरेंद्र भाई जी उनसे मिलवाया, उनके हाथों से मेरा मुझे सम्मान किया। मैं बहुत आभारी हूँ। तो महान क्रिकेटर, राज्यसभा सांसद और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को भी मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा है। बॉलीवुड की उमराव जान और राज्यसभा सांसद रेखा के लिए भी मोदी की तरफ से न्योता गया है। 26 मई की शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मोदी का शपथ ग्रहण समारोह वाकई भव्य होने वाला है। अमिताभ सिन्हा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। या फिर नरेंद्र मोदी का एक संदेश, क्योंकि इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी राष्ट्रपति के प्रांगण से शपथ ग्रहण समारोह को आयोजित किया था तब खूब सुर्खियां बनी थी। वाजपेयी के बाद अब नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे उसी राष्ट्रपति के प्रांगण में। क्या इसी के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अटल पथ पर चल रहे हैं नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी के सड़क का संघर्ष जब पहली मर्तबा सत्ता की चौखट पर पहुंचा तो खुशियों का सैलाब ऐसे ही जन सैलाब में पहुंचा। वाजपेयी, ईश्वर की शपथ लेता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति भवन के जिस खुले प्रांगण में ली, अब वहीं से नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभालेंगे। अशोक हॉल या दरबार हॉल नहीं, राष्ट्रपति के प्रांगण में भव्य अंदाज में ऐतिहासिक जीत के बाद अब ऐतिहासिक शपथ ग्रहण। हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।